किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एग्री फैक्ट में। आज किसान साथियों, स्पेशली हम बात करेंगे जो गन्ने में मोथा, जिसे कुछ लोग भदा भी कहते हैं। किसान साथियों, इन घासों के लिए काफ़ी ज़्यादा आप परेशान रहते हो। इसके लिए अगर मार्केट में दवा की बात की जाए तो सैंपरा वगैरह दवाइयाँ आती हैं जो काफ़ी हद तक महंगी पड़ती हैं किसान साथियों, जिसका खर्चा लगभग आप 1100 रुपये प्रति एकड़ खर्च करते हो। तो किसान साथियों, आप अगर गरीब फैमिली से हो और कम खर्चे में इस भदा से पीछा कटाना चाहते हो कि कम पैसों में इस खरपतवार से हमारा नष्ट हो जाए, हमारा गन्ना अच्छे से पल जाए। ये खरपतवार ऐसा होता है किसान साथियों, जितना ये ऊपर बढ़ता है उतना ही ज़मीन के अंदर बढ़ता है, जिसके कारण जो गन्ने की हमारी जड़ों होती हैं वो फैल नहीं पाती और गन्ना हमारा ट्रिलिंग और ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो किसान साथियों, इसके लिए आपको इस्तेमाल ये करना है, सपोज करो आपका 1 एकड़ खेत है गन्ने का किसान साथियों, तो उसमें आपको इसे कैसे करके ख़त्म करना है कम पैसों में, जिससे आपका गन्ना अच्छे से पले और ग्रोथ अच्छी सी करे। किसान साथियों, आपको पिराइजोस सल्फ्रान इथाइल 10% WP जो आता है किसान साथियों, आप जानते होंगे, आप सोचते होंगे ये धान की दवा है। किसान साथियों, आप गन्ने में भी यूज करिए, गन्ने में कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे खुद तजुर्बा है, मैं कई किसानों को पढ़वा चुका हूँ और कई किसान डालते हैं। किसान साथियों, 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसे ले लीजिए और किसान साथियों 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप 250 58% वाली ले लीजिए। किसान साथियों, दोनों का अलग अलग घोल बनाइए और आप नमी ज़मीन के अंदर ऐसी होना चाहिए कि मिट्टी का लड्डू बनता हो, आप इसकी स्प्रे करा दीजिए किसान साथियों और 8-10 दिन के साथ पानी देते रहिए। किसान साथियों, लगभग मेरे हिसाब से आपका 300 रुपये प्रति एकड़ या 350 रुपये प्रति एकड़ में पूरी तरीके से जो भदा है आपकी नष्ट हो जाएगी और चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार होंगे उसे आपकी T40 कंट्रोल कर लेगी और बहुत कम खर्चे में आपका गन्ना फिर से चलने लगेगा और ग्रोथ करने लगेगा। तो किसान साथियों, इन दोनों दवाइयों को आप अलग अलग घोल बना के एक बार ज़रूर यूज करिए। अगर आपको ऐसा लगता हो कि गन्ने पर नुकसान देगा तो आप कहीं डालकर देख सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए किसान साथियों नमस्कार।